हमारी जो मैडम है रुचि सिंह जी, इन्होंने किया, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने फिक्शन के माध्यम से ही सही, लेकिन जो एक चैलेंज होता है फॉरेस्ट सर्विस में, उस चैलेंज को इन्होंने बखूबी अच्छे से उकेरा है। इन्होंने हर उस चीज़ को टच किया जो एक जंगल को रक्षा करने के संबंध में एक ऑफिसर की ज़िंदगी में आती है। वो टाइगर की साइटिंग हो, लेपर्ड की ट्रैंक्विलाइजिंग हो, एलिफेंट का रेस्क्यूइंग हो, रेड सैंडल्स के स्मगलर के साथ द्वंद्व हो, फिर और जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हो, और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है आज जो हम ये देखते हैं कि हमारी क्लाइमेट चेंज, लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज क्या है बेसिकली? आप ये देखेंगे कि जो हमारी एक ट्रेडिशनल सीजन थी, वो सीजन में क्या बदलाव आया है? वो सीजन में ये बदलाव आया कि हमारी हर एक सीजन एक्सट्रीम हो गई। गर्मी एक्सट्रीम, बरसात एक्सट्रीम, विंटर एक्सट्रीम। बरसात में भी आप एक पैटर्न देख रहे हो कि थोड़ी देर के लिए आएगी लेकिन भरपूर आएगी बरसात, उसके बाद लल आ जाएगा, है ना? ये एक फ्लड लाती है, ना कि इरिगेशन करती है आपके खेतों में, है ना? इसका मेन कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? तो टेम्परेचर राइज से। टेम्परेचर राइज हमारी जो डेवलपमेंट का सो कॉल्ड मॉडल है, उस मॉडल के थ्रू ही ये टेम्परेचर राइज का जो स्टिग्मा है, जो चीज़ है हमारे ऊपर फेंका रखा गया। और इस पूरे चीज में एक ही चीज मुझे आती है कि फॉरेस्ट अगर हमारा बचा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होगा? जैसे कार्बन और मीथेन, ये दो चीज ऐसी है जो आपके क्लाइमेट में टेम्परेचर को बढ़ाती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और उसमें जो फॉरेस्ट है वो आपकी मेन है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को करने का, और दूसरा है ओशन। ओशन में भी जो हमारी कोस्ट लाइन है उसको अगर हमने दही से मैनेज नहीं किया तो अल्टीमेटली हमारी जो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन है वो कम हो जाएगी और टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो आज के टाइम में ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ये और भी रिलीवेंट हो जाता है, और मैडम ने लगभग हर एक उस चीज़ को टच किया जो एक ऑफिसर की ज़िंदगी में आता है। अभी जैसे मैं पुलिस की भी बात देख रहा था, तो वो कहते हैं ना कि इस्तीफा मैं साथ में रखता हूँ, तो बेसिकली इस सर्विस पे भी वही बात है। आप अगर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में रहेंगे, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में रहेंगे, तो आप अपना इस्तीफा साथ रखो। जैसे मैं JNK कैडर का हूँ, मेरा ये अनुभव है कि मैं 15 साल में 13 बार मेरी ट्रांसफरी हुई, लेकिन मैंने लगभग 10,000 हेक्टेयर लैंड को बचाया। तो आज आज बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन सारे चैलेंजेस को मैडम ने बड़ी बखूबी, भले ही फिक्शन के माध्यम से हो, लेकिन बखूबी उन्होंने इस किताब में रखा है। और किस तरह से हमारी पुलिस के साथ समागम होना चाहिए, हमारी जो ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, उसमें जो एक पूरे सरे सारे सर्विस के लोग मिलते हैं, उस सर्विस का किस तरह से हम फील्ड में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, किस तरह से अपनी दोस्ती के बल पे चीज़ों को अंजाम अंजाम देते हैं, हर एक चीज़ को इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस किताब में उद्धृत किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि इनफैक्ट ये किताब लगभग हर एक लोगों के साथ पास जानी चाहिए, और ये देखें कि हमारी क्लाइमेट चेंज में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जंगल, वो किस तरह से हर तरफ से अटैक के साथ लड़ रही है। जो अभी का मॉडल है डेवलपमेंट है, वो भी एक तरह से समझिए कि आप फॉरेस्ट के अगेंस्ट ही है।